नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। इससे पिछले वीडियो में हम संधि टॉपिक को समाप्त कर चुके हैं। खास तौर पर अब टेट का पेपर नज़दीक है तो इसलिए मैं अब हो सकेगा तो प्रतिदिन एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा और जो भी मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, ये जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएँ होती हैं उसमें सभी रूप से प्रभावी है। टेट के लिए बहुत अधिक प्रभावी है क्योंकि टेट का जो सिलेबस है अन्य परीक्षाओं से अधिक हिंदी का सिलेबस इसमें आता है, इसमें साहित्य भी अच्छा खासा आता है। तो इसलिए मैं ऐसे सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि टेट हो, सी टेट हो, यूपी पुलिस हो, एसआई हो, लेखपाल हो, अगर किसी भी आप भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को अवश्य देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उच्चारण के आधार पर ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में। ठीक है, ये प्राइमरी टेट में तो नहीं लेकिन जूनियर टेट में अवश्य ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। लेखपाल में भी पूछा जा सकता है, यूपी पुलिस एसआई में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। समझ लेते हैं इसको, उच्चारण के आधार पर ध्वनियाँ। उच्चारण के आधार पर ध्वनि, ठीक है, ध्वनि को स्वनिम भी कहते हैं। अगर आप मेरा वीडियो पुराना देखना चाहते हैं ध्वनि वर्ण या अक्षर से संबंधित तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, वहां जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। उच्चारण के आधार पर ध्वनियां, उच्चारण के आधार पर जो ध्वनियां हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है संयुक्त ध्वनि, दूसरी होती है संपृक्त ध्वनि और तीसरी होती है युग्मक ध्वनि। संभवतः ये चीज आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, अगर पढ़ी भी होगी तो इस तरीके से नहीं पढ़ी होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि, पहले इन तीनों शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ समझ जाओगे तो आधी बात यही समझ में आ जाएगी। ध्वनि क्या होता है पहले उसको समझना जरूरी है। ध्वनि जो हमारे मुख से उच्चरित हो रहा है यही क्या है, ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि और वर्ण में छोटा सा अंतर होता है। ध्वनि मौखिक आई है और जब उसको लिखित रूप प्रदान कर दिया जाता है तो वो वर्ण कहलाता है। तो चलिए देखते हैं संयुक्त ध्वनि क्या होती है। संयुक्त की अगर बात करी जाए तो संयुक्त शब्द बना है सहध्वनि युक्त से। सह मतलब साथ में, युक्त माने रखना, अर्थात जब दो व्यंजनों को एक साथ में रख दिया जाता है तब वो ध्वनि क्या कहलाती है, संयुक्त ध्वनि कहलाती है। अर्थात दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां जब एक स्वर के सहारे उच्चरित होती हैं तो उन ध्वनियों को क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि कहते हैं। बात समझ में आई आपके, अर्थात दो व्यंजन ध्वनियां जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तब वह क्या कहलाती है, संयुक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे कि अगर देखो ये है, अगर इसको देखो तो ये देखिए का और श और आ, ये इस तरीके से बना हुआ है। तो यहां देखिए जब दो व्यंजन ध्वनियां एक स्वर के सहारे उच्चरित होती हैं तब वो क्या कहलाती हैं, संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। इसको और अच्छी तरीके से और समझते हैं, जैसे त्र है, ये देखिए ता रा और आ। तो यहां देखिए दो व्यंजन ध्वनियां किसके सहारे उच्चरित हो रही हैं, एक स्वर के सहारे उच्चरित हो रही हैं। तो ऐसी ध्वनियों को क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। और इसके और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि प्र। अब इस प्र को देखा जाए तो ये पा फिर रा और आ रहा है। तो ये देखिए ये दो व्यंजन किसके सहारे उच्चरित हो रहे हैं, एक आ के सहारे उच्चरित हो रहे हैं। तो इस प्रकार की ध्वनियां क्या कहलाती हैं, संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। आप इनको बोल के भी देख लीजिए, प्र अगर आप देखेंगे तो पा और र एक स्वर के सहारे उच्चरित हो रहे हैं, इसलिए ऐसी ध्वनि क्या कहला रही है, संयुक्त ध्वनि कहला रही है। अब संपृक्त की बात करते हैं। संपृक्त का अर्थ होता है सटा हुआ। क्या होता है, सटा हुआ या संबद्ध। संबद्ध का अर्थ समझिए, यहां क्या है कि जब दो व्यंजन ध्वनियां
एक स्वर के सहारे उच्चारित हो, या ऐसे व्यंजन, मैं व्यंजन की बात कर रहा हूं, जिसमें दो व्यंजन एक साथ में प्रयुक्त हो जाएं, यानी कि दोनों व्यंजनों के बीच में क्या ना हो, स्वर ना हो, तो उसी को क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। यानी कि मैं अगर ता और रा को एक साथ में लिख दूं तो ये आपकी संयुक्त ध्वनि नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इस ता और रा के बीच में आ रहा है। कैसे आ रहा है, मैं इसका वर्ण विच्छेद करके दिखाता हूं। देखिए ता आ रा और आ, ठीक है, तो इसके बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए इसको हम संयुक्त ध्वनि नहीं कह सकते। संयुक्त ध्वनि बनने के लिए पहली बात क्या होनी चाहिए कि पहले व्यंजन को आधा होना चाहिए, आधे का मतलब स्वर विहीन होना चाहिए, और दूसरे व्यंजन पर स्वर हो या ना हो। बात समझ में आ गई, तो संयुक्त ध्वनि समझ गए होगे। अब संपृक्त की बात करते हैं। संपृक्त क्या होता है? संपृक्त ध्वनियां उन ध्वनियों को कहते हैं जहां दो व्यंजन ध्वनियों के बीच में एक व्यंजन ध्वनि संयुक्त हो जाए। बात समझ में आ रही है? जब दो व्यंजन ध्वनियों के बीच में एक व्यंजन ध्वनि संयुक्त होती है तो उसको क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनि कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, यह शब्द के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं, एक मैं शब्द ले लेता हूं रक्त, ठीक है, एक मैं ले लेता हूं सत्य, एक मैं ले ले रहा हूं वर्ष, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं तो ये भी इसमें आएगा और ये भी इसमें आएगा, यही है संयुक्त ध्वनियों में, ठीक है। सत्य, रक्त, वर्ष और संबल और चंचल और अपना भाषा का शब्द भी लेते हैं भाई, हम जो पढ़ रहे हैं हिंदी, ठीक है। अब देखिएगा, वैसे संयुक्त ध्वनियां इसमें भी हैं। अगर आप इतने की बात करोगे केवल, तो ये संयुक्त है, लेकिन हमें संपृक्त ध्वनि निकालनी है। तो संपृक्त ध्वनि का मतलब है कि जब दो व्यंजन ध्वनियों के मध्य में एक व्यंजन ध्वनि संयुक्त हो जाए, या अर्थात बीच में आ जाए, तो उसी को क्या कह देते हैं, संपृक्त ध्वनि कहते हैं। अर्थात यहां देखेंगे आप तो रा और ता के बीच में का संयुक्त हो रहा है। अब आप रक्त को बोल के देखिए, तो आपने क्या बोला, रा फिर का और फिर ता, तो रा और ता के बीच में क्या संयुक्त हो रहा है, अर्थात जुड़ रहा है का, तो इसीलिए इस ध्वनि को क्या बोलेंगे, संपृक्त ध्वनि कहेंगे। इसी तरीके से सत्य में आइए, तो सा और या के मध्य में कौन सी ध्वनि संयुक्त हो रही है, ता हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, संपृक्त ध्वनि कहेंगे। बीच वाली कैसी होनी चाहिए, आदि होनी चाहिए। अब यहां देखिए वर्ष, वर्ष की अगर बात करी जाए तो यह है आपका इस तरीके से। तो यहां देखिए, इन दो व्यंजनों के बीच में या इन दो व्यंजन ध्वनियों के बीच में जब एक और व्यंजन ध्वनि संयुक्त होती है तो वो क्या कहलाती है, संपृक्त ध्वनि कहती है। मैं इसकी परिभाषा अभी आपको नीचे लिख कर दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तीनों की परिभाषा मैं आपको बारी बारी दे दूंगा, ठीक है। तो संपृक्त ध्वनि की परिभाषा एक बार और समझ लीजिए कि जब दो व्यंजन ध्वनियों के मध्य में एक और व्यंजन ध्वनि संयुक्त होती है तो उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनि कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां सा और बा के बीच में मा ध्वनि संपृक्त हुई है, यानी कि संयुक्त हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संपृक्त ध्वनि बोलेंगे। इसी तरीके से यहां संपृक्त है और इसी तरीके से यहां संपृक्त है। बात समझ में आ गई। चलिए, संपृक्त का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था आपको, सटा हुआ, यानी कि मिला हुआ। सटा किससे, दो व्यंजनों के बीच में सटा हुआ। इसको सीधे से समझ लीजिए, एक व्यंजन दूसरा व्यंजन बीच में अगर आधा आ जाए तो आप तुरंत लगा देना संपृक्त ध्वनि, और जब संयुक्त व्यंजन पहले ही प्रयोग हो जाए, जैसे क्षेत्र है, ये त्र है, ये प्र है, ये है, और मैं देखिए अगर मैं क्या भी लिखूं, क्या, तो ये भी संयुक्त ध्वनि है। कैसे, अगर मैं प्याज लिखूं तो ये भी आपकी संयुक्त ध्वनि है। कैसे, यहां देखिए, ये दो व्यंजनों का उच्चारण आ से हो रहा है, मैं अगर इसका वर्ण विच्छेद करूं तो प या और आ, ठीक है। क्या का अगर वर्ण विच्छेद करूं तो क या और आ, तो आप यहां देखिए कि इन दोनों व्यंजनों को किसके सहारे बोला जा रहा है, इस आ के सहारे। यहां देखिए, इन दोनों व्यंजनों को इस आ के सहारे बोला जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, संयुक्त ध्वनि, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या, क्या की अगर बात करी जाए तो का और या इससे मिलकर बने हैं, यानी कि इस आ के सहारे बोले जा रहे हैं, तो इसको हम संयुक्त ध्वनि बोलेंगे। लेकिन अगर यही हो जाता वाक्य, क्या हो जाता, वाक्य शब्द हो जाता, तो ये जो ध्वनि है वो संयुक्त ना होकर क्या कहलाती, संपृक्त कहलाती। बात समझ में आई आपके, बात समझ में आई कि अगर
इस का से पहले किसी व्यंजन को आप दे दोगे तो आप बोलकर भी देख लीजिए वाक्य, वा और या के बीच में क्या जोड़ दिया आपने, का जोड़ दिया, तो वाक्य बन गया। और वाक्य जो है वो इन दोनों के सहारे बोला जा रहा है। किसके सहारे? वाक्य और या के सहारे बोला जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? संप्रयुक्त ध्वनि कहेंगे। ठीक है, जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाएं तो संयुक्त है, और जब दो व्यंजनों के बीच में एक व्यंजन और आ जाए, व्यंजन ध्वनि आ जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? संप्रयुक्त ध्वनि कहते हैं। अब बात करते हैं युग्मक ध्वनि। असल में ये हम लिख तो रहे हैं लेकिन ये सभी चीजें उच्चारण से संबंधित हैं, बोलते समय इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं स्कूल बोलूं, स्कूल, तो आप सामान्य तौर पर देख पा रहे हैं कि सा और का एक साथ में ऊ से उच्चारित हो रहे हैं, स्कूल हो रहे हैं ना। ठीक है, चलिए अब युग्मक की बात करते हैं। युग्मक का अर्थ होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जोड़े का मतलब ऐसी ध्वनियां जो किससे हो? जोड़े से हो। जोड़ा मतलब एक जैसी। इसको द्वित्व ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व ध्वनि। द्वित्व का मतलब कि ऐसी संयुक्त ध्वनियां, संयुक्त ध्वनियों का एक प्रकार है ये, ऐसी संयुक्त ध्वनियां जिसके दोनों ही व्यंजन एक समान हो। कैसे हो? एक समान हो, तो वो क्या कहलाती हैं? युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। संयुक्त ध्वनि आपने पढ़ी लिया था, युग्मक ध्वनि उसी के आधार पर हम समझेंगे कि जब दो एक समान व्यंजन, या क्या था? असमान व्यंजन। जब दो एक समान व्यंजन किसी एक स्वर के सहारे उच्चरित हो जाएं तो उसी को क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि कहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं दिल्ली, अब यहां देखिए ये दो व्यंजन हैं, ये किसके सहारे उच्चरित हो रहे हैं? बड़ी ई के सहारे उच्चरित हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? युग्मक या द्वित्व ध्वनि कहा जाएगा। और भी शब्द देख लेते हैं, जैसे सम्मान, तो यहां देखिए मां और मां दोनों एक समान वर्ण हैं और इन दोनों को मिलकर आग से उच्चरित कराया जा रहा है या किया जाता है, तो ये ऐसी ध्वनियां क्या कहलाती हैं? युग्मक या द्वित्व। युग्मक को अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो डबल, डबल अर्थात एक जैसी। जब दो ध्वनियां या दो व्यंजन एक स्वर के सहारे उच्चरित होते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। आशा करता हूं ये आपको वीडियो, मेरा शॉर्ट वीडियो है, ये एक छोटा सा वीडियो है, इतना छोटा वीडियो मैंने कोई बनाया नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए और उनको बताइए कि संयुक्त, संप्रयुक्त और युग्मक ध्वनियां क्या होती हैं। चलिए आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार।